हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज रमजान स्पेशल मॉर्निंग ड्रिंक लेके आई हूं, बिकॉज आप लोग पूरे दिन पानी नहीं पीते हो, पूरे दिन कुछ खाते नहीं हो, जिससे कि एनर्जी लॉस होती है, आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हो। तो आज मैं एक ऐसा मॉर्निंग ड्रिंक लेके आई हूं जिससे आप फुल डे हाइड्रेटेड रहोगे, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, आपको पानी की कमी नहीं होगी बॉडी में। तो बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, वेट लॉस आप सोच नहीं सकते हैं, इतना एक्सट्रीम वेट लॉस होगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस ड्रिंक को बनाने के लिए 4 कुकुम्बर यानी खीरा चाहिए। मार्केट में ईजी होकर अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता है। आपको उसको ऐसे कट करके निकाल देना, यानी कि जो भी इसका जो हल्का सा तीखापन आता है वो आपको निकाल देना है इसी तरह कट करके सारे खीरों का। तो यहाँ पे मैंने सारे जो कुकुम्बर्स हैं उनका निकाल दिया है। अब आपको इसे थोड़े मोटे मोटे पीसेस में कट करके इसे ग्राइंड कर लेना है। मिक्सर जूसर है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जूसर में थोड़ा सा ज़्यादा मैस, मैं जूसर थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। और इस तरह से आपको इसे ग्राइंड कर लेना है। मैं दो मेथड बताऊँगी इसे छानने के, आप सबको पता होगा। एक तो आप स्ट्रेनर्स की हेल्प से कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है इसलिए मैं ये थोड़ा सा प्रेफर नहीं करती हूँ। इसके लिए आप एक साफ कॉटन का कपड़ा लीजिए, घर का रुमाल या हैंकी भी ले सकते हैं। देन आपको ये सारा उसमें डाल के बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। मुझे ये वाला काम थोड़ा झंझटी लगता है, मैं रुमाल वाला ही काम प्रेफर करती हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे किया। और मैं हमेशा यही मेथड अप्लाई करती हूँ, कभी भी जो स्ट्रेनर वाला नहीं करती क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। एक साफ कॉटन का रुमाल लीजिए, ये जस्ट मिनटों का सेकेंड्स का काम है कि आपका तुरंत सारा रस निकाल के बाहर कर देगा। तो इस तरह से आपको इसे रुमाल में डालना है और सारा रस निकालना है। फ्रेंड्स, यू नो कि कुकुम्बर आपकी बॉडी को फुल डे हाइड्रेटेड रखने वाला है, और क्योंकि ये आपके अंदर पानी की कमी नहीं होने देगी। और लमसम आपको हाफ लीटर इसे लेना ही लेना है। जिस जार में मैं इसे पीऊँगी वो मेरा मेज़रमेंट है पूरा कि हाफ लीटर का है, तो कोशिश करिएगा कि हाफ लीटर ही लीजिएगा। थोड़ा सा पानी इसलिए मिला है क्योंकि जो मिक्सी है वो ग्राइंड नहीं करती है, इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो हाफ कप ही आपको पानी इसमें मिलाना है। देन उसके बाद आपको इतना जूस मिलने वाला है। नमक बिल्कुल भी मत डालिएगा क्योंकि नमक आपके बॉडी के सोडियम लेवल को बढ़ा देगा और हो सकता है कि बॉडी स्वेल कर जाए या फिर वो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसलिए आपको ये लेना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, जैसा ही आपने इसे लिया है वैसा ही लेना है। रात को बना के, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास आने वाले हैं कि रात को बना के रखे, तो बिल्कुल नहीं, इसे ताज़ा बनाना है और ताज़ा पीना है। क्योंकि अगर आपने रात में इसे बना के रख दिया तो ये इफ़ेक्टिव बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। और यू नो, जूस हमेशा फ्रेश बना के ही पीने चाहिए, कभी भी रखा हुआ जूस नहीं पीना चाहिए। इसीलिए मैं कभी भी पैकेट वाले जूस को प्रेफर नहीं करती हूँ, जब भी पीती हूँ शॉप से तुरंत निकला के पीती हूँ। देन ये जो मेरा जार है वो हाफ लीटर का है, आपको इसमें डालना है और फुल डे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहने वाली है। एक चीज़ मैं अभी इसमें और डालूँगी जो वाकई में आपको पूरे दिन भूख लगने नहीं देगा। मैग्नीशियम आपको मिलेगी बॉडी को, विटामिन्स मिलेगी, स्किन पूरी तरह से ग्लो कर जाएगी। एक महीने में आप भी सोचेंगे कि आपने ऐसा क्या पिया कि स्किन ग्लो करेगी। ये है मेरा वो सेकेंड इंग्रेडिएंट, यानी कि जो मैंने आप लोगों से बोला था और बनाना भी बताया था कि फ्लैक्स सीड पाउडर। तो फ्लैक्स सीड पाउडर आपको इसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बनाना, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें मिला के इसे ऐसे ही पीना है, और हाँ, सिप सिप करके पीना है, ये बात ध्यान रखिएगा, एक साथ नहीं पीना है, सिप सिप करके इसे आराम से पीजिए। इसलिए मैंने बोला है कि अजान के बाद हमेशा आपको, अजान से हमेशा आधा घंटा या 45 मिनट पहले उठिए तो आपको इजी हो जाएगा, और मज़े लेते हुए पीजिए, सच में बहुत टेस्टी है। यूनो कुकुम्बर का जूस तो वैसे ही टेस्टी है, अगर आपने इसमें ये फ्लैक्स सीड पाउडर मिला लिया तो ये और ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाला है। तो इसे पीजिए, एक महीने पीजिए, आपके अंदर आपकी बॉडी बिल्कुल भी डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, स्किन पूरी ग्लो करेगी। और वेट लॉस का तो मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा वेट लॉस होगा आपका। बनाइए, पीजिए, और जैसा भी इसका रिव्यू हो मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। आपने देखा इस ड्रिंक को बनाना कितना आसान सा है, और आप इसे बिल्कुल भी फ्रिज में स्टोर मत करिएगा, ये आपको तुरंत बनाना है, तुरंत पीना है। साथ ही साथ ये आपको फुल डे हाइड्रेटेड रखेगा, आपको पानी की कमी बिल्कुल भी होने नहीं वाली है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग जब ये रखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पानी की कमी हो जाती है, और कुछ लोग इसलिए भी नहीं रख पाते क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं सह पाते हैं।
तो ये आपको पूरी तरह से मदद करेगा हाइड्रेटेड रहने में, स्किन ग्लो करेगी, बिल्कुल भी आपको कमजोरी नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने इसमें फ्लैक्सीड यूज किया है, बिल्कुल भी मिनरल्स की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी में, विटामिन की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी में। अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।